नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों की मुझसे बहुत शिकायत रहती थी कि आप लव रिलेशंस पे कुछ नहीं बनाती हैं, लव रिलेशन को कैसे स्ट्रांग करें आप नहीं बता रही हैं। आज मैं इसीलिए आपको एक ऐसा वीडियो बनाकर दे रही हूँ जिसमें आपको अफर्मेशन भी मिल जाएगी, जिसमें आपको स्विच वर्ड भी मिलेगा, जिसमें आपको नंबर भी मिलेगा और साथ में एक ऐसी रेमेडी जो आपकी रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाएगी। रिलेशनशिप चाहे कोई सा हो, चाहे आप कपल हो, अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में आप लोग हैं या फिर आप मैरिड कपल हैं, रिश्ता अगर आपका अच्छा नहीं है तो उसको संवारें कैसे, कैसे अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। जब साथ चलना शुरू किया है तो मंजिल भी साथ में ही पहुंचना है हमको, तो इसलिए रिश्ते को हम कैसे स्ट्रांग बना सकें उसमें हम प्रयास करें। ऐसा कोई भी काम नहीं होता, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती जिसका सॉल्यूशन ना हो। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे तोड़ने की जगह उसे बनाने का प्रयास करें। तो आज इसी प्रयास में मैं आपको हर चीज दूंगी, अफर्मेशन भी, नंबर भी, स्विच वर्ड, साथ में एक बहुत अच्छी रेमेडी, सक्सेसफुल एक रेमेडी भी आपको मैं साथ में दूंगी जिसको हम क्रिस्टल्स की मदद से करेंगे। बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगी। शुरुआत हम अफर्मेशन के साथ में करेंगे। अफर्मेशन से क्या होता है? अफर्मेशन चलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। जो बात आप सोच रहे हैं वही आपके जीवन में होगा, आपके थॉट्स ही आपके लिए रियलिटी बनते हैं। ज्यादातर हम लोग परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे थॉट्स निगेटिव डायरेक्शन में रहते हैं। रिलेशनशिप अगर खराब हो रही है तो हम वही सोचते रहते हैं, क्या करें, कैसे करें, कैसे निकलें बाहर, उसने ये कह दिया, ये सारी चीजें, तो और जो सिचुएशंस है वर्स्ट हो जाती है। तो आज हम करेंगे 5 अफर्मेशंस, मैं आपको बताऊंगी। इसमें से जो भी जरूरत हो आप कोई एक अफर्मेशन चूज कर लें या फिर इन 5 को मिक्स करके भी आप अपने लिए कोई अफर्मेशन बना सकते हैं। अफर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने वर्ड दिया है आप सेम वही वर्ड इस्तेमाल करेंगे, आप 5 को मिक्स करके भी अपने लिए कोई एक बना सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। पहली जो हमारी अफर्मेशन है वो है मी एंड माई पार्टनर आर इन ट्रू लव। मी एंड माई पार्टनर, आपको अपना नाम बोलना है, आप अपना नाम बोलिए, अपने हस्बैंड या आपका पार्टनर जो भी है उसका नाम बोलिए। आर इन ट्रू लव, हम एक दूसरे को बहुत सच्चा प्यार करते हैं, मैं और मेरे पार्टनर एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं। आप बोलिए जरा इस बात को दिन रात और फिर वर्ड्स का मैजिक देखने की कोशिश करिए। मैं और मेरा पार्टनर एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं, बाकी चीजें आप भूल जाइए और फिर देखिए कैसे परिस्थितियां आपके लिए धीरे धीरे बदलेंगी। दूसरी अफर्मेशन, मी एंड माई पार्टनर आर इन लविंग, कमिटेड एंड स्ट्रांग रिलेशनशिप। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है, आपका रिश्ता टूटने की कगार पे है, आप इस अफर्मेशन को बोलिए। मी एंड माई पार्टनर, अपना नाम लीजिए, पार्टनर का नाम लीजिए, आर इन लविंग, कमिटेड एंड स्ट्रांग रिलेशनशिप। आप इसको चैंट करना शुरू कर दीजिए, फिर आप इसका मैजिक देखिए। थर्ड आपकी जो अफर्मेशन है वो है लव बिटवीन मी एंड माई पार्टनर आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। दिन ब दिन मेरा और मेरे पार्टनर के बीच में प्यार या बीच का रिश्ता मजबूत और लविंग होता जा रहा है, बहुत अच्छा होता जा रहा है। दिन ब दिन मेरा और मेरे पार्टनर के बीच रिश्ता बहुत मजबूत और अच्छा होता जा रहा है। बोलिए आप इसको दिन रात, बोलिए, आप देखिए परिस्थितियां बदलेंगी। फोर्थ अफर्मेशन है मी एंड माई पार्टनर आर लॉयल टू ईच अदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर लॉयल नहीं है, आपके साथ धोखा कर रहा है, कहीं भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल वाली बात आ रही है या किसी और के लिए आपको चीट कर रहा है, तो आप इसको चैंट करिए, आप इसको दिन भर बोलिए मन में, मी एंड माई पार्टनर आर लॉयल टू ईच अदर। फोर्थ अफर्मेशन। फिफ्थ अफर्मेशन है मी एंड माई पार्टनर हैव वेरी रोमांटिक रिलेशनशिप। मी एंड माई पार्टनर हैव वेरी रोमांटिक रिलेशनशिप। मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में, दो मेरे और मेरे पार्टनर नहीं बोलना है, याद रखना है आपको नाम बोलना है कि इनके और इनके बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, कि या फिर आप मेरे और अपने पार्टनर का नाम बोलिए कि मेरे और इनके बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप बहुत रोमांटिक है, आप इस तरह से बोलिए।
पांच मैंने आपको अफर्मेशंस दी हैं, इनमें से जो आपकी सिचुएशन को मैच करती हो, अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है तो आप बोलिए मी एंड माय पार्टनर आर लॉयल टू ईच अदर। अगर आपको लगता है आपको कमिटेड और स्ट्रांग रिलेशनशिप की जरूरत है, आप दूसरा अफर्मेशन बोलिए जो आपको मन करे। तो ये तो बात हो गई अफर्मेशंस की। अब हम बात करते हैं स्विच वर्ड की। अगर आप स्विच वर्ड चैंट करना चाहते हैं, अफर्मेशन और स्विच वर्ड में ये ना सोचें कि कौन सी चीज ज्यादा रिजल्ट देगी, किससे फास्ट रिजल्ट मिलेगा। दोनों में से जिस भी चीज को आपका मन ज्यादा एक्सेप्ट करता है आप उसको बोलिए। मेन चीज माइंड को प्रोग्राम करने की है। अगर आपका माइंड अफर्मेशन से प्रोग्राम होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, आप उसको करिए। अगर आपका मन करता है स्विच वर्ड तो आप स्विच वर्ड चैंट कर सकते हैं। स्विच वर्ड जो रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, टूटते रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आप चैंट करेंगे तो वो है डिवाइन टुगेदर। डिवाइन टुगेदर एक बहुत प्यारा स्ट्रोंगर स्विच वर्ड है। हर रिश्ते को मजबूत, किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, टूटते हुए रिश्तों को संवारने वाला स्विच वर्ड है डिवाइन टुगेदर। दिन रात बोलिए डिवाइन टुगेदर, फिर आप देखिए कैसा क्या फर्क आता है। नंबर की हम बात करें तो नंबर जो हम दो कपल्स के बीच में, कपल के बीच में रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाने के लिए, लविंग रिलेशनशिप बनाने के लिए कपल्स में, याद रखें चाहे आप मैरिड हो तब भी यूज करेंगे, अनमैरिड हो तब भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप कपल हैं, आप आगे अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप तक ले जाना चाहते हैं तो आप इस नंबर को यूज कर सकते हैं। तो नंबर जो आपको इस्तेमाल करना है वो है 541। 541 एक ऐसा नंबर है जो कम से कम मैरिड लोगों को तो सभी को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपस का रिश्ता हमेशा मजबूत और बहुत अच्छा बना हुआ रहे। लेकिन कपल्स भी इसको अपने रिश्ते को बचाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी कलर के पेन से लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी लिखिए 541 आपका नंबर है, हमेशा भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि रिश्तों को मजबूत बनाता है। याद रखिए इसमें रिश्तों को मजबूत बनाना मतलब कपल्स के बीच में है, इसमें फैमिली के लिए हम ऐड ना करें, ये कपल्स के लिए ही है। तो आप नोट करिए 541। लास्ट जो मेरी रेमेडी है वो है क्रिस्टल्स को लेकर। देखिए दो क्रिस्टल मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। पहला है एमेथिस्ट, ये देखिए प्यारा सा एमेथिस्ट। दूसरा है रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स को लेकर सभी लोग जानते हैं कि रोज क्वार्ट्स लव स्टोन है, लव रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए है। लेकिन रोज क्वार्ट्स के साथ में एमेथिस्ट भी वैसा ही स्टोन है जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आज हम इससे जो रेमेडी करने जा रहे हैं वो ये है कि आपको एक रोज क्वार्ट्स लेना है, एक आपको एमेथिस्ट लेना है, और रोज क्वार्ट्स को आप अपने पास रख लीजिए, एमेथिस्ट को अपने पार्टनर को दे दीजिए। चाहे आप लोग पॉकेट में रख लें, अपने पॉकेट में दिन भर रखे रहिए, और या फिर दोनों लोग रखिए, दोनों लोग अपने पास में रखिए, और चाहे आप अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। अगर आप मैरिड हैं तो दोनों लोग अपने अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। आपने रोज क्वार्ट्स रख लिया, वाइफ ने रोज क्वार्ट्स रख लिया, तो हस्बैंड को एमेथिस्ट दे दीजिए। दोनों लोग अपने अपने तकिए के नीचे इनको रखिए, 15 डेज इसको रखा रहने दीजिए। और अगर आप कपल हैं, मैरिड नहीं है, तो अपने अपने पास ले जाइए अपना स्टोन, पॉकेट में रखिए और घर में अपने तकिए के नीचे रख के सोइए। उसके बाद 15 डेज के बाद स्टोन्स को एक्सचेंज कर लीजिए। जो रोज क्वार्ट्स आपके पास था वो अपने पार्टनर को दे दीजिए, एमेथिस्ट जो उनके पास था आप ले लीजिए। अब आप एमेथिस्ट को अपने तकिए के नीचे रखिए और हस्बैंड को रोज क्वार्ट्स दे दीजिए, यानी कि एक्सचेंज करना है, कभी इधर तो कभी इधर। क्यों एक्सचेंज कर रहे हैं? ताकि इन दोनों स्टोन्स में आपकी दोनों की एनर्जी आ गई। दोनों स्टोन्स लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए यूज होते हैं, दोनों में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। पर याद रखिएगा स्टोन्स प्रोग्राम्ड ही यूज करें, जब भी लें क्रिस्टल थेरेपिस्ट से लें। आपने ऐसे करके बार बार, जितने बार आप करें, स्टोन को एक्सचेंज करती रहिए। शुरुआत में अगर रिलेशनशिप ज्यादा खराब है तब तो आप इसको 15 डेज में करिए, 10 डेज 15 डेज में एक्सचेंज करते रहिए, ऐसे बार बार करिए इसको।
और जब आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए तो 1 महीने बात कर लीजिए, फिर एक्सचेंज करिए, बार बार चेंज करते रहिए, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस पिलो के नीचे कभी इसको हस्बैंड रखें कभी इसको आप रखें, इस तरीके से। इससे क्या है, ये जो क्रिस्टल है आप दोनों ही लोगों की एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, दोनों लोगों की लविंग जो एनर्जी है उसको बूस्ट तो कर ही रहा है, साथ में एक्सचेंज करके रिलेशन को स्ट्रांग बना रहा है। बार बार आप ऐसे करते रहिए, हमेशा रोटेट करते रहिए। आप ये मत पूछिएगा कब तक करें, क्योंकि रिश्ते तो हम हमेशा ही अच्छे चाहते हैं, तो अगर हम अपने तकिए के नीचे या अपने पास में रख लेंगे तो कुछ बड़ी चीज नहीं है, हमेशा के लिए भी आप इसको कर सकते। कुछ दिन उनको दीजिए, कुछ दिन आप अपने पास रखिए और फिर देखिए कैसे इन दोनों स्टोन्स का रिजल्ट आता है। ये बहुत ही एक इफेक्टिव रेमेडी है और इसको इससे हमेशा रिजल्ट आता है। तो आज ये मैंने आपको बताया कि कैसे अपना लव रिलेशनशिप को अच्छा करें, स्ट्रॉन्गर बनाएं, रिश्तों को टूटने ना दें, रिश्तों को सजाने की और जोड़ने की कोशिश करिए। रिश्ते अगर बने हैं, साथ हम चले हैं, तो मिलकर भी साथ आगे भी चलते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना आप सभी के लिए है। कुछ और जानना चाहें तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उन टॉपिक्स पे भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।